कर बेबी। सुबह देखे थे इसको, इसको बोल रहे मारी बिस्किट देने के लिए। कौन सा बिस्किट दे? बिगेस्ट प्रॉब्लम, यू कांट स्पीक लाउडली या सो इन कंट्रोल। मैं खुद को रखकर बोल रहा है, ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड ने पॉलिश संभाला है तो मैं उसे जाके ये देना पड़ेगा, खुद लगाने से पहले उसको देना पड़ेगा। अभी ड्राई हो गया यार, इतना सब लगाते हुए पंखे में मेरा खराब हो गया, मैं देना नहीं चाहती। फिर झमेला होता है क्यों देना नहीं चाहती, कंजूस है। पर मैं जब देती हूँ तो खराब करके लौटाते हो, मैं जब देती हूँ मैं अच्छे से रख देती हूँ ना। आई एम लुकिंग ब्यूटिफुल, मोस्ट सेक्सीस्ट या ये टाइटल मुझे मिला था। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, उसके साथ स्कूल में भी मुझे ये टाइटल मिले थे, तभी से बोलते स्टार हो। तभी मेरे दिमाग में ऐसा आई नहीं तो कभी मैं एक्टिंग करूँगी या कुछ करूँगी या फिर जो भी है। मैं Someone to hold, a friend to light the way, when the world starts to unfold, through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together right. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way, when the world starts to unfold, through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die, let's show we really care, through thick and thin. You've been there by my side, a shoulder to lean on when the tears couldn't hide. You're the one who lifts me up when I'm feeling down. With you, my friend, there's no need to wear a frown. Friendship, oh friendship. All the storms and sunny days, together we'll walk this road hand in hand. Fly, ka song, pass me. Yep, pass me ek bhai. Dubai ka 2+ hai. पता ही है, ससुराल का ट्रेनिंग लग रहा, जो किया नहीं उसका इंतजाम, ताकि सासू का भी वो इंतजाम लगाया तो पता चल गया। नहीं नहीं मैं तो ऑलरेडी हैबिचुएटेड हूं, छोटा सा रूम पे पर्टिकुलर चीज़ में, वॉशरूम से घर, घर से वॉशरूम। तो लगता है कि चलो ये ट्रेनिंग मिल रहा है, यूनिवर्स होता ना पहले से ट्रेनिंग दे रहा है कि ससुराल जाके तुमको नहीं लगेगा कि तुम आज सुबह हो, या फिर लगेगा कि छोड़ के चले ना जाओ ससुराल, इसलिए पहले से ट्रेनिंग मिलता है। ऐसा जो हो ही नहीं उस चीज़ का इंतजाम लगे, या फिर पर्टिकुलर चीज़ में ही रहो, छोटा सा रूम या फिर जो भी है खुद की चीज़ हो, एकदम पर्टिकुलर चीज़। ऐसे नहीं कि बहुत स्पेस है, ये है वो है, खुल के जी नहीं सकते, तभी लगता है ना कि चलो भीड़ से मेरे खुद का अच्छा सा घर हो तो फिर भी अच्छा है, होता है ना खुल के जियो, ऐसा नहीं होता है ना। तो लग रहा है पूरा ट्रेनिंग चल रहा है, जिसने कभी वो लोग उतना बाहर से कमेंट मारता है तो उन लोग को भी ऐसा सिचुएशन में डाला नहीं गया ना, इसलिए इतना ज़्यादा कमेंट आता है उन लोगों को।
खाने का प्रॉब्लम, पीने का प्रॉब्लम, हर चीज़ का वो होता है ना। तो लगता है कि चलो खुद का विलेज नहीं है, फिर भी खुद का टाउन से ही है। उधर पे जैसे रहो, शांति से रहो, स्पेस से खुल के रहो, सबसे बात करो, जी भर के हंसो, जी भर के बात करो, जी भर के जियो। पर यहाँ ससुराल का ट्रेनिंग है, भगवान पहले से लड़की लोग को देता है ना, ससुराल का ट्रेनिंग हुई है। मैंने कैमरा एंगल उस साइड से सेट कर दिया। होता है ना कि आज सुबह हो तो देखने के लिए कोई नहीं हाथ पर, काट जाए, टूट जाए, फट जाए, करें जब चले जाए, कुछ भी करने के लिए, देखने के लिए कोई नहीं होता है। सस के बोलो और बाद में आओ, सुबह आओ, ऐसा होता है ना। झेल नहीं जाता बस जाके ससुराल में, या फिर हस्बैंड लोगों से, या फिर ससुराल वाले सास होते तब दर्द है, मारने का मन करता है पूरा, फटाक से दे दो इन लोगों, क्योंकि लड़की लोग ना ऑलरेडी झेलते हैं, ऑलरेडी झेल झेल के झेल के आते हैं। भी झमेला चल रहा है कि बी फेप लेकर, होता है ना किसी ने फेस पैक रख दिया, बी सिगरेट पी के रख दिया, तो सब सोच रहा है कि वो पॉटी है, ये पैर में वो खिसल गया ना, तो उसको लेकर भी झमेला होता है। वो तो ससुराल में मतलब होता है पॉटी अलग होता है, बीड़ी सिगरेट वो फिसक जाए पानी में, वॉशरूम में, मुझे तो आदत ही नहीं है स्मोक भी लेने का। और फेस पैक लगा के कोई सुखा के रख दिया तो कोई भी चिल्ला रहा है पॉटी 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 आए। वो होता है ना कि ससुराल जैसे दो सेकंड भी चैन नहीं मिलता, पीस नहीं मिलता, ऐसा होता है, खुल के जी नहीं पाओ जिंदगी। पूरा ट्रेनिंग चल रहा है ऐसा तो होता है ना। चलो मैं म्यूज़िक डाल के, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, म्यूज़िक डाल के डाल दूँगी सब यूट्यूब में, नहीं तो बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ ज़्यादा।